नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, 72 सालों के बाद 2 सितंबर को फिर से पूर्णिमा है और यह माघ पूर्णिमा तुला राशि के जीवन को बदलने वाला है तथा इनके जीवन में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। मित्रों, पूर्णिमा को हिंदू धर्म में काफ़ी महत्वपूर्ण और मान्यता दी गई है। ऐसे में 72 सालों के बाद आया हुआ पूर्णिमा तुला राशि वाले जातकों के जीवन में बहुत सारी खुशियां लाने वाला है और इनके जीवन में जो भी दुख तकलीफें, समस्याएं, संकटें या आर्थिक तंगियां चली आ रही हैं, उन सबों से इनको छुटकारा अब प्राप्त होने वाला है और इनको पैसों से जुड़ी जो भी दुख तकलीफें हैं, उन सबों से छुटकारा प्राप्त होंगे। आपको अब समाज में भी सम्मान की दृष्टि से देखा जा सकता है। तो मित्रों, यह पूर्णिमा आपके लिए काफ़ी खास है, तो आपको बताएंगे सारी जानकारी विस्तार से। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि रोजाना राशिफल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सकें। तो मित्रों, आप लोगों को बताना चाहेंगे कि अब आपके जीवन में दुख तकलीफें और समस्याओं का साया खत्म होने वाला है और आपका पूरा दुनिया मौज मस्ती में व्यतीत तो होने वाले हैं। आपको रोजगार के क्षेत्र में अधिक सफलता हासिल होंगी। प्यार के मामलों में भी आप अच्छा व्यवहार कर सकते हो तथा आपके मन में नए नए और अच्छे सकारात्मक विचार आ सकते हैं, जो कि तुला राशि के जातकों के जीवन में बहुत बड़ी खुशखबरी लाने में काफ़ी ज़्यादा सहयोग कर सकते हैं। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि इस समय आपके जीवन में विशेष रूप से आपका मन धर्म के कार्यों में लग सकता है। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि 72 सालों के बाद आया हुआ यह खास पूर्णिमा आप लोगों के जीवन में बहुत बड़े अच्छे शुभ समाचारों की प्राप्ति करवाने वाला है। सामाजिक क्षेत्र में मान सम्मान की बढ़ोतरी होंगी, व्यापार में लगातार वृद्धि होंगी, जिंदगी में पैसों से संबंधित कोई भी समस्याएं नहीं रहेंगी। आपको खूब पैसा मिलने वाला है। आप अपने भाग्य के बलबूते अपने हर काम में लगातार सफलता हासिल करेंगे। मित्रों की पूरी सहायता प्राप्त हो सकती है। घरेलू खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। संतान की तरफ से आपको उन्नति की खबर भी आसानी से मिल सकते हैं, जिनसे आपको खुशी और गर्व महसूस होंगे। आपके दिमाग में नई नई योजनाएं आ सकती हैं। कार्यस्थल में उच्चाधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे। आने वाले समय में आपके लिए खुशियों की बरसात होने वाली है। पारिवारिक झगड़ों से राहत मिल सकती है। नौकरी मिलने के योग नजर आ रहे हैं तथा मित्रों, इन राशि वाले लोगों के जीवन की परिस्थितियों में सुधार आने के योग बन रहे हैं। आपको पैसों के साथ साथ सच्चा प्यार भी मिलेंगे। आपके घर परिवार में कोई शुभ कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। संतान की तरफ से कोई परेशानियाँ दूर हो सकती हैं। आपका व्यापार बहुत ही तेजी से चलेगा और इनसे आपको लाभ भी भरपूर मात्रा में प्राप्त होंगे। आपके ग्राहकों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। आपके जीवन में जो भी दुख तकलीफें, समस्याएं, संकटें या आर्थिक तंगियां चल रही हैं, उन सबों से आपको छुटकारा प्राप्त होंगी। शनिदेव की कृपा से भाग्य के बलबूते आपको बड़ा फायदा मिलने की संभावना बन रही है। अचानक आमदनी के नए मार्ग हासिल हो सकते हैं। हर क्षेत्र में आपकी पकड़ मजबूत रहेंगी। परिवार से जुड़ी आपकी सभी चिंताएं दूर हो सकती हैं। नौकरी के क्षेत्र में पदोन्नति और आय में वृद्धि की पूरी संभावना बन रही हैं तथा सामाजिक लोगों के साथ आपके रिश्ते बेहतर होंगे। आर्थिक पक्ष भी पहले की तुलना में और अधिक मजबूत हो सकता है। आप अपनी बातों से दूसरों को प्रभावित करने में सफल हो सकते हैं। माता पिता का सहयोग आपको प्राप्त होंगे। ऑफिस में सीनियर भी आपके रिश्तों को मजबूत कर सकते हैं। आपको अपने किसी अच्छे काम के लिए नए इन्वेस्टमेंट काम करने के मौके प्राप्त होंगे। आप नया मकान या वाहन खरीदने का मन बना सकोगे। दोस्तों के साथ कहीं घूमने का प्लान बना सकते हैं। सामाजिक जीवन भी आपको व्यस्त रहने वाला है, लेकिन अंतिम समय में पारिवारिक दायित्व के कारण आप सामाजिक योजनाओं में बदलाव कर सकते हैं। अधूरे पड़े कार्य भी गति आएंगी। विद्यार्थियों को परीक्षा परिणाम में अच्छे रहने वाला है। आपके घर परिवार में घरेलू सुख सुविधाओं में वृद्धि होंगे। आपका खुशनुमा व्यवहार घर में खुशी का माहौल बना देंगे। शैक्षणिक कार्यों में आपका मन लगा रहेगा। आप दूसरों के मामलों को जो भी उलझे हुए हैं, उनको आप तुरंत सुलझाने में सफल होंगे। आपको राजनीतिक से जुड़े कई कार्यों में सफलता हासिल होंगी। आप सही योजनाओं के तहत अपने करियर में बदलाव कर सकते हैं और जीवन में लाभ की प्राप्ति आपको आसानी से हो सकती है तथा आपको बताना चाहेंगे कि
इस समय आर्थिक क्षेत्र में आपको तरक्की हासिल होंगी। आप अपने कार्य को आसानी से पूरा कर सकते हैं। समाज में अपनी तरह अलग पहचान बनाने में कामयाबी होने वाले हैं। दोस्तों की ओर से आपको बहुत ही जल्द बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। सुबह उठकर सबसे पहले आप भगवान विष्णु का नाम लेकर अपने दिन को अच्छा बना सकोगे। व्यापार करने वालों को जल्दी ही अपने व्यापार में बड़ा धन लाभ होंगे। माँ काली की कृपा से आपके दुखों का नाश होंगे। जो लोग शादी करना चाहते हैं उनको भाग्यशाली लड़की का रिश्ता सामने आ सकता है। अकेले लोगों के जीवन में लड़की आ सकती है, प्यार आ सकता है तथा माँ काली की कृपा से आपका जीवन भर काफी ज्यादा खुशनुमा बना रहेंगे। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां बनी रह सकती हैं तथा आप विभिन्न प्रकार के नए और अच्छे शुभ समाचारों की प्राप्ति आसानी से कर सकते हैं। मित्रों, आपको अपने जीवन में कई बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपके जीवन में नई सफलताओं को मिलने के योग हैं। आपको अपने सभी कार्यों में पारिवारिक सहयोग मिल सकता है। आपको बिजनेस में, व्यापार में अचानक से लाभ हो सकते हैं। आपको सभी प्रकार के कर्जों से छुटकारा मिल सकते हैं। व्यापार व्यवसाय में उन्नति के योग हैं। नौकरी करने वाले लोगों को उनकी नौकरी में उनके सहयोगियों का पूरा साथ अवश्य हासिल होंगे। परिवार का माहौल खुशनुमा बना रहेंगे। आपको उच्च पदों की प्राप्ति होंगी। घर परिवार का वातावरण काफी अच्छा और शांतिपूर्ण रहेंगे। सामाजिक लोगों से आपको हर कार्य में सलाह लेने की जरूरत रहेंगे, जिनसे आप एक अलग पहचान बना सकोगे। व्यापार जगत में भी आप नई तकनीकियों से बेहतर फायदा भी प्राप्त करोगे। अचानक आपको शुभ समाचार मिल सकता है। किसी शुभ कार्य के लिए आप विदेश यात्राओं पर जा सकते हैं। आपके इच्छा अनुसार आपको जीवन साथी मिल सकते हैं। आपका शुभ समय शुरू हो चुका है। विद्यार्थियों को भी आप सफलता हासिल होंगी। मन किसी भी कार्य को पूरा करने में लगा रहेगा। आपके सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होंगी। व्यापार व्यवसाय में उन्नति के अवसर भी सामने आ सकते हैं, जिनके कारण आपके सभी कष्टों से भी आपको छुटकारा प्राप्त होने वाला है। आप एक साथ कई परियोजनाओं में भी काफी शामिल हो सकते हैं और मानसिक क्लेशों से भी आपको छुटकारा प्राप्त होंगे। नए विचार आपके मन में आएंगे। आप अपने निर्धारित समय में अपने सारे कार्यों को पूरा कर सकोगे और किस्मत का साथ भी आपको प्राप्त होंगे। आपके स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। अचानक धन लाभ के लिए नए अवसर भी आपको प्राप्त होंगे, जो वित्तीय संकटों को भी समाप्त कर सकता है। परिवार के सदस्य भी आपका समर्थन और सशक्तिकरण कर सकते हैं तथा आपको परिवार की जरूरतों को पूरा करने के बेहतरीन मौके भी अवश्य हासिल होंगे। आप भक्तिभोर रह सकोगे। आपको समाज में मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होने के मौके भी प्राप्त हो सकते हैं। नई तकनीकी का प्रयोग करके आप लाभ की प्राप्ति कर सकोगे तथा यह समय आपके जीवन के लिए काफी शुभ और काफी अच्छा खासा बना रहने वाला है और आप अपने जीवन को काफी ज्यादा अच्छा बना सकोगे। भाग्य शनिदेव की कृपा रहने से आपको व्यापार के क्षेत्र में असफलता के कई संयोग बन सकते हैं। घर परिवार का माहौल अच्छा रह सकता है। आर्थिक परियोजनाओं में भी आपको काफी ज्यादा संतुष्टि की प्राप्ति होंगी। आपको आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति हो सकती है और आप अपने जीवन में आर्थिक स्थितियों में भी बदलाव कर सकते हैं। विद्यार्थियों के मन में नकारात्मक चिंताएं उत्साह में कमी ला सकती है। नई सोच आपको जीवन में सदैव कामयाब बना सकेंगे। नए कार्य का श्री गणेश करने के लिए आपका दिन खूब अनुकूल रहने वाला है। भाग्य वृद्धि और धन लाभ की संभावनाएं बन रही हैं। पारिवारिक एवं व्यवहारिक कार्य के अवसर भी आपको मिल सकते हैं। नजदीक के स्थान पर भी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। विदेशों से भी आपको शुभ समाचार की प्राप्ति होंगी। भाई बहनों के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे। गणेश जी की कृपा से आपका तन मन काफी स्वस्थ रहेगा। आपके लिए आने वाला समय बेहद शुभ रहने वाला है। पैसों के साथ साथ आपको प्यार भी मिलेंगे। समाज में अधूरे पड़े कार्य को आप अपने अकेले दम पर पूरा करने में कामयाबी को हासिल कर सकते हैं और अपने सभी कार्य को इच्छा के अनुसार अवश्य ही पूरा कर सकोगे। आपका दिन बेहतर बने इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलकारी हो। जय मां विंध्यवासिनी।